हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी की रीडिंग की थी, तब हमने देखा था जहां तक हमने रीड करने है उसके बाद क्या था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे। आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद का टॉपिक रहेगा हमारा सॉल्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is the basic? हमें बताना है किसमें H plus ion concentration ज्यादा होंगे, कौन acidic होगा और कौन basic होगा। सबसे पहले जो एक basic सी चीज हम देखते हैं, base वाला basic नहीं, ठीक है, तो क्या होता है, जो पीएच होता है, पीएच लेसर देन 7 वो क्या होता है, एसिडिक। वही जो पीएच मोर देन 7 इज बेसिक। इतनी सी बात हमें पता है कि अगर 7 से कम पीएच है तो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होगा, और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो सब्सटेंस बेसिक कैरेक्टर का होगा। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास एक पीएच है जो कि एक सब्सटेंस है जिसका पीएच 6 है, तो आप खुद बताओ क्या ये एसिडिक है या बेसिक है। लेस देन 7 है तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक। और एसिडिक की खासियत क्या होती है कि एसिड जो होता है वो नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज करता है, ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर। वही जो हमारे पास पीएच 8 है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज लेस। H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो लेस हो जाएगी। विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज एसिडिक, ऑलरेडी टोल्ड यू कि पीएच 6 है तो एसिडिक है और पीएच 8 है तो बेसिक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ तो नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है। देखो, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है H प्लस आयन ज्यादा है तो हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर H प्लस आयन कम है तो हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन shows the nature of solution. H plus ions show कर सकता है nature of solution कैसे, more concentration of H plus ions show acidic character, while less concentration of H plus ion shows basic character of solution। ये हो जाएगा। ठीक है, हमसे ये पूछा है क्या इफेक्ट होगा, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर H plus ion ज्यादा होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और अगर H प्लस आइंस कम होंगे तो वो बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आइंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। अगर बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H प्लस आइन कंसंट्रेशन होता है तो बेसिक क्यों होगा, एसिडिक होना चाहिए था ना। तो देखो, बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H प्लस आइन कंसंट्रेशन होता है, लेकिन उसके पास जो OH नेगेटिव आयन का
कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन हमें बेसिक कैरेक्टर के बारे में ही बताता है। ठीक है, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यस बेसिक सॉल्यूशन, यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव एच प्लस एक्वस आयन्स बट द कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन्स इज मोर देन एच प्लस आयन्स विच शोज बेसिसिटी। ठीक है, विच शोज बेसिसिटी, जो बेसिसिटी को बताता है, कौन बताता है बेसिसिटी को, OH आयन्स। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार ही क्वेश्चन थे आज की क्लास के लिए। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद अ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसकी वजह से फार्मर्स को क्या यूज करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें यूज करनी पड़ रही है। तो ये जो चीजें हमें गिवन है उनका नेचर सबसे पहले पता करते हैं कि क्या है। ये सारे के सारे हमारे बेसिक नेचर के हैं। तो जरूर सॉइल जो होगा हमारा वो एसिडिक कैरेक्टर आ गया होगा, सॉइल के अंदर वो एसिडिक नेचर का हो गया होगा। और जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा किसमें ग्रो करते हैं, बेसिक नेचर में ग्रो करते हैं। अगर ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो प्लांट जो है वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में देखा था कि जो एसिड रेन होता है वो हमारे सॉइल में जाता है और उसका पीएच जो है वो लेस देन 5.5 से कम कर देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो यहाँ पे फार्मर्स का सॉइल के अंदर ये सब पुट करना हमें क्या बताता है कि जो सॉइल का नेचर है अभी वो एसिडिक नेचर का है और वो उसको बेसिक नेचर का करना चाहता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या पूछा, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद अ क्विक लाइम। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, सॉइल मे बी इन एसिडिक नेचर, सॉइल मे बी इन एसिडिक नेचर एंड इट्स कल्टीवेशन is so difficult and its cultivation is so difficult, that's why farmer put some basic solution like, kya kya hai basic solution mein, like क्विक लाइम, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सॉइल मे बी इन एसिडिक नेचर एंड इट्स कल्टीवेशन इज सो डिफिकल्ट, that's why farmer put some basic solution like quick lime, calcium hydroxide and calcium carbonate which ठीक है, which help them to reduce acidic character of soil and increase फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और वो क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चार ही क्वेश्चन थे हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसके बेस्ड पे, बाकी सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।